Please do articulate. We are talking about CAB muscles. What is the function of CAB muscles? CAB muscles, ये lens के ऊपर नीचे होती eye lens के. They control, ध्यान से सुन लीजिए, they control the curvature of the iris. If iris focus at the distant point, the ciliary muscle relax hoti hai. They don't apply any pressure on the eye lens if iris focus on a far point, distant point. If they don't apply any pressure on the eye lens, at that time the thickness of the eye lens will be minimum. Whatever is thickness, it will be minimum. And focal length will be maximum. Focal length will be maximum. Thickness will be minimum. Focal length will be maximum. But when we try to focus, when we focus our eye on those objects which are not at the far point, which are nearer to our eye, which are nearer to, so then ciliary muscles apply pressure on the eye lens. When pressure increase on the eye lens, so eye lens का curvature बढ़ता है. Curvature, ये था कि curvature बढ़ गया और pressure लगा और curvature बढ़ गया. और जब curvature बढ़ेगा तो उसकी thickness ज्यादा होती है. क्यों लिखा? Thickness will increase. याद रखिए, curvature जब कम था, thickness कम थी. Curvature बढ़ गया तो thickness, और जब थिकनेस बढ़ेगी तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी. थिकनेस बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी. यानी जो ऑब्जेक्ट है जो हम फोकस कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ, जो आई जो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी. और फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि पावर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. ये हमारा फॉर्मूला है. पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. तो फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी. तो बॉडी का फंक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स, दे कंट्रोल द कर्वेचर और थिकनेस ऑफ द आई लेंस. व्हेन व्हेन दे आर रिलैक्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन आईज आर फोकस एट फार पॉइंट, देन दे आर रिलैक्स एंड द प्रेशर इज मिनिमम. एट दैट टाइम द थिकनेस ऑफ द आई लेंस विल बी मिनिमम एंड फोकल लेंथ विल बी मैक्सिमम. इस पोजीशन में अगर है तो थिकनेस कम होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और अगर थिकनेस बढ़ जाएगी तो कर्वेचर बढ़ जाएगा. तो व्हेन आई लेंथ असिलरी मसल अप्लाई प्रेशर ऑन द आई लेंथ, इट्स कर्वेचर इंक्रीजेस. कर्वेचर इंक्रीज होने से थिकनेस बढ़ जाती है, और थिकनेस बढ़ती है उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी. बात समझ में आ गई? फोकल लेंथ कम हो जाएगी. फोकल लेंथ कम होगी तो पावर बढ़ जाएगी. दैट इज द फंक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स. दे कंट्रोल द, यू कैन से बोथ द वे, दे कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दे कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द आई लेंस. दोनों तरह से हम कह सकते हैं. व्हेन दे अप्लाई प्रेशर, थिकनेस इंक्रीजेस, फोकल लेंथ डिक्रीजेस. ठीक है? और पावर, जब फोकल लेंथ कम होती है तो पावर बढ़ जाए, और मैक्सिमम मिनिमम फोर प्रेशर कब लगाती है? व्हेन आई आर फोकस एट ए फार पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट, तब प्रेशर मिनिमम हो जाता है. इसलिए कभी पढ़ते पढ़ते थक जाए और आपको रेस्ट देना हो, थोड़ा सिलियरी मसल्स को रेस्ट देना हो, तो आंखें फार पॉइंट पे कंट्रोल कर फोकस करते हैं. दूर की चीज पे आंखें फोकस करती हैं, तो सिलियरी मसल्स को रिलैक्स हो जाती हैं, उनका प्रेशर खत्म हो जाता है. और जब थोड़ी देर तक ऐसे रखेंगे तो सिलियरी मसल जो कंटिन्यूस काम कर रही थी, प्रेशर डाल रही थी, अब वो काम करना बंद कर देगी, तो वो रिलैक्स पोजिशन में होगी. तो थोड़ी देर बाद वो थकन जो आंख में महसूस हो रही है वो कम हो जाएगी. उसके बाद हमारा इसका दूसरा पॉइंट जो हमने आपको बताना था, कुछ चीजों के लिए वो रिपीट कर रहा हूँ. आईरिस, आईरिस जो आपको कलर भी देती, दे आर ऑल्सो मसल्स. ये एक तरह की मसल्स होती है.
और इनका फंक्शन क्या है? पुपिल दे कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल, दे कंट्रोल द क्योंकि साइज ऑफ द पुपिल पे डिपेंड करता है लाइट कितनी लाइट अंदर जाएगी और कितनी कम जाएगी, ठीक है। इनका क्या है, ये कब पुपिल का साइज छोटा कर देंगे है? जब ब्राइट लाइट, जब ब्राइट लाइट में होते हैं तो साइज पुपिल का छोटा हो जाता है तो लाइट कम जाती है अंदर, और दे आर एबल टू सी क्लियरली। और जब डार्क कमरे में होते हैं तो ज्यादा लाइट चाहिए डार्क कमरे में क्लियर देखने के लिए, तो ये प्रेशर रिलीज कर देती है, उसका साइज पुपिल का बढ़ जाता है, एज ए रिजल्ट लाइट ज्यादा अंदर जाती है, और जब लाइट ज्यादा अंदर जाती है तो ज्यादा साफ नजर आता है, ज्यादा क्लियर नजर आता है। और पुपिल क्या है, इट इज स्मॉल ओपनिंग बिटवीन द आईरिस, है ना, आईरिस के दोनों तरफ आईरिस, तो वो जो ओपनिंग होता है इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, एंटरिंग इनटू द आई अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। ब्राइट लाइट में छोटा होता है तो देन कैसा लाइट गो इनसाइड द आई एंटर इन थ्रू द पुपिल, है ना। एंड डिम लाइट में इसका साइज बढ़ जाता है and more light enters into through the pupil inside the eye, as a result you can see, agar bright light no chota na ho aur bada hi rahe to kya hoga, kya bolenge, wo glaring effect hoga, kya ekdam chamak mehsoos hogi, samajh mein aa gaya। इसलिए हम एकदम जैसे क्या कहते हैं अंधेरे कमरे से ब्राइट कमरे में ब्राइट लाइट में आते हैं तो एकदम आंखें जो होती हैं उनमें ग्लेयरिंग इफेक्ट होता है, एकदम चमक महसूस होती है, क्यों, क्योंकि अंधेरे कमरे में पुपिल का साइज छोटा था कम लाइट जा रही थी, बड़ा था सॉरी पुपिल का साइज बड़ा था ज्यादा लाइट जा रही थी, बाहर आके एकदम छोटा नहीं होता, उतना चाहिए होता बहुत ज्यादा लाइट थोड़ी देर तक अंदर जाती है तो जितनी लाइट चाहिए हमें साफ देखेंगे उससे ज्यादा लाइट है तो ग्लेयरिंग इफेक्ट होता है, चमक पैदा होती है। इसीलिए हम चमकदार कमरे से रोशन बहुत ही ज्यादा क्या नाम इल्यूमिनेटेड कमरा है राइट लाइट बहुत है वहां से डार्क कमरे में जाएंगे तो एकदम नजर नहीं आता, क्योंकि इल्यूमिनेटेड कमरे में जो बहुत ज्यादा लाइट थी वहां पे पुपिल का साइज छोटा था, डार्क कमरे में गए तो वहां ज्यादा लाइट चाहिए साइज एकदम बड़ा नहीं होता उसको टाइम लगता है तो लाइट जो अंदर जा रही है आई आंख के अंदर वो कम है और हमें देखने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए तो इसीलिए हमें एकदम साफ नजर, थोड़ी देर बाद जब वो अपना वो जो होता है पुपिल का साइज बढ़ जाता है ज्यादा लाइट अंदर जाने लगती है तो हमें नजर आने लगता है, लेकिन एकदम लाइट बहुत ही ज्यादा ब्राइट कमरा उससे डार्क में जाने तो एकदम नजर, क्योंकि वहां जितनी लाइट चाहिए वो ज्यादा चाहिए, ठीक है। और जो लाइट अंदर जा रही है वो क्योंकि पुपिल का साइज जो छोटा था ब्राइट रूम में, ये बात समझ में आ गई, तो ये आपको फंक्शन थे। अब मैं आपको जो बता रहा था जो उसके आगे था वो था एकोमोडेशन ऑफ आई, लास्ट टाइम मैंने यही पढ़ाया था, लेट मी रिपीट इट, एकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। ये क्या है एकोमोडेट की डेली लाइफ में मीनिंग क्या है कि जैसे हमारी कार है उसमें दो आदमी हम गए वहां पे किसी फंक्शन से, हमारी कार में पांच की जगह है तो हम टीम को और बिठा सकते हैं इजीली, तो उसको हम कहते हैं एकोमोडेट टीम को कर सकते हैं, क्योंकि टोटल पांच ही जगह थी, दो हम खुद हैं तीन और आ जाएंगे पांच हो जाएंगे, लेकिन अगर छह आदमी तो हम कहते हैं इसको एकोमोडेट टीम को कर सकते हैं चौथे को नहीं कर सकते, तो एकोमोडेशन वर्ड हमारी डेली लाइफ में यूज होता है कि कितने और ले सकते हैं। आपके पास डिब्बा है और एक बॉक्स है एक बहुत बड़ा उसमें कुछ सामान रखा है उसमें जगह खाली है, आप उसमें तीन बॉक्स और रख सकते हैं तो आपको कभी तीन बॉक्स और एकोमोडेट इसमें हो जाएंगे और लग ही जाएंगे तो कितनी जगह है, चार भी रखे जाएंगे तो कितनी जगह। आई का एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आई जो है वो उसकी फोकल लेंथ जो है वो दूर की चीजों के लिए ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए ज्यादा क्लियर देखने के लिए, और जब चीज करीब हो ऑब्जेक्ट करीब हो तो कम फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि इमेज रेटिना पे बनेगी तभी साफ नजर आएगा, अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो साफ नजर आएगा लेकिन साफ नजर
तो क्लियर इमेज रेटिना पे बने, तो दूर की चीज अगर है तो ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए, दूर की चीज की फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो रेटिना पे बनेगी, फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए तो दूर है होते, करीब की चीज में क्लियर इमेज रेटिना पे कब बनेगी जब फोकल लेंथ, तो आई में ये प्रॉपर्टी है कि उसकी फोकल लेंथ अपने आप कम बढ़ती होती है, इसको कहते हैं एकोमोडेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ ड्यूरिंग सीइंग द ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेज फ्रॉम द आई, ड्यूरिंग सीइंग द ऑब्जेक्ट एट वेरियस डिस्टेंसेज फ्रॉम द आई एंड सो दैट अ क्लियर इमेज में फॉर्म ऑन रेटिना। दिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। When the focal length of the eye will be maximum, when the object is, when eye is focused at the far point. Far point कौन सा point होता है? It is that if the maximum distance up to eye, up to which I can see clearly without any optical device, without using any optical, वो eye का far point है। बिना optical device से clear image बन जाए retina पे। जो जो हमारे normal eye होती है उसमें वो जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी पे होता है, जो दूर तक साफ नजर आता है। अगर आई कमजोर होगी तो दूर वाली चीज साफ नजर नहीं आएगी, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा तब साफ नजर आएगी, तो वो डिफेक्ट होता है। उस डिफेक्ट को हम कहते हैं माइओपिया। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई बात? अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे दोबारा से। और अगर हमें करीब की चीज को देखना है तो इमेज रेटिना पे बनेगी, तभी सब सही इमेज पर तभी साफ नजर आएगा। उसके लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, आई लेंस की फोकल लेंथ वो होती है किससे? वो सिलियरी मसल्स के प्रेशर से कम होती है, वो सिलियरी मसल्स के प्रेशर से। तो क्यों? सिलियरी मसल्स के प्रेशर से आई लेंस ठीक हो जाता है, उसकी कर्वेचर बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है, और फोकल लेंथ कम हो जाती है, और वो कम होकर उस रेंज में आ जाती है कि इमेज रेटिना पे बने। जो नियर पॉइंट है वो दैट डिस्टेंस फ्रॉम द आई अप टू व्हिच आई कैन सी क्लियरली विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल डिवाइस, वो नियर पॉइंट है। जब करीब पॉइंट इज दैट, उसमें फोकल लेंथ कम होती है और फार पॉइंट में फोकल लेंथ ज्यादा होती है। वो फिलरी मसल जब रिलैक्स होंगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि आई लेंथ थिन हो जाता है, और जब फिलरी मसल प्रेशर डालेगी तो आई लेंथ थिक होगा, कर्वेचर बढ़ेगा, उससे फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। ये सारा फंक्शन सिलियरी मसल्स करती है, आई लेंस की थिकनेस को बढ़ाना या कम करना। बात क्लियर हो गई? अब जरा ध्यान से समझने की बात है कि मान लीजिए हमारी मिनिमम फोकल लेंथ 4 डायोप्टर है, सॉरी 6 डायोप्टर, कितना 6 डायोप्टर, तो नॉर्मल आई की जो डिफरेंस होता है मिनिमम फोकल लेंथ टू सी द क्लियर इमेज एंड मैक्सिमम फोकल लेंथ टू सी द क्लियर इमेज, नॉर्मल आई का वो डिफरेंस 4 डायोप्टर का होता है। कितना? यानी अगर 6 डायोप्टर था कम मिनिमम के लिए तो मैक्सिमम के लिए कितना होगा? 10। अगर 7 डायोप्टर था मिनिमम के लिए तो मैक्सिमम के लिए कितना होगा? 11 होगा। नॉर्मल आई में 4 डायोप्टर का फर्क होता है, लेकिन अगर आई में डिफेक्ट है तो वो जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या? द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम फोकल लेंथ एंड मैक्सिमम फोकल लेंथ विद व्हेन आई टू सी द क्लियर इमेज एंड नो व्हाट इज नॉट यूज, नो ऑप्टिकल डिवाइस इज यूज, तो उसमें जो डिफरेंस होता है क्लियर इमेज दोनों मैक्सिमम मैक्सिमम पावर में, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। और वो नॉर्मल आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो जनरली 4 डायोप्टर होती है। जनरली अगर आई में डिफेक्ट होगा तो ये पावर एकोमोडेशन 4 नहीं होगी। समझ में आ गई? ये थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए दोबारा से इस पॉइंट के ऊपर कि जो हम दूर की चीज को इंफिनिटी पे, अगर फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई इज इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब काफी दूर, ठीक है। अब अगर इसकी इमेज बनाए तो जो इंफिनिटी से जो रेज आ रही है वो इमेज काम आ रही है रेटिना,
अगर नॉर्मल है इंफिनिटी से रेज आ रही है इमेज इज फॉर्मिंग है रेडियल एंड वी कैन सी द दिस डिस्टेंट ऑफ रेडियल इंफिनिटी क्लियरली और जहां से हमें सामने से आ रहे हैं वो फार पॉइंट पे जाता है लेकिन आई में डिफेक्ट होगा ठीक है अच्छा इस पोजीशन पे सिलरी मसल्स का प्रेशर मिनिमम होता है फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है और कर्वेचर भी मिनिमम होता है कर्वेचर भी कम होता है लेकिन फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है और पावर फोकल लेंथ मैक्सिमम है तो पावर कम हो जाएगी क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ जब डिफेक्ट होता है के अंदर तो जो दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आई के ऊपर फोकस नहीं करता आई के लेंस पे फोकस नहीं करता रेटिना पे वो रेटिना से पहले फोकस करता है अगर रेटिना से आगे फोकस हो रही है मोस्ट ऑफ द रेज तो जहां मोस्ट ऑफ द रेज फोकस हो रही है इमेज नहीं साफ बनेगी अगर रेटिना पे हो रही थी तो रेटिना में सेल्स है वो इमेज ट्रांसफर कर देते हैं ब्रेन को और वहां से फिर हमें साफ नजर आता है लेकिन अगर इमेज रेटिना में नहीं बनी ज्यादातर रेज रेटिना के आगे फोकस हो रही थोड़ी बहुत रेज पीछे भी फोकस होती है रेटिना पे लेकिन वो इतनी काफी नहीं है जिससे हमें ऑब्जेक्ट साफ नजर आए ऑब्जेक्ट तब भी नजर आएगा लेकिन साफ नजर तो हमें ऑब्जेक्ट को साफ नजर आने के लिए जहां मोस्ट ऑफ द रेज फोकस हो रही है वहां लाने आई रेटिना अब रेटिना ये रेटिना को उस जगह लाने के लिए या तो आई को मूव करो उसकी तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ तो आई मूव होगा तो रेटिना भी मूव होगा यानी यू कम क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को करीब लाओ ऑब्जेक्ट करीब लाओगे तो इमेज जो है वो भी आगे सरकेगी और एक स्टेज में वो कहां जाएगी रेटिना पे जाएगी ये तो आई आप तो अपने आप को मूव करो ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट को मूव करो आई की तरफ दोनों हालतों में इमेज मूव करेगी अपनी जगह से और रेटिना पे आ जाएगी और हम अगर ये सुन लीजिए ये डिफेक्ट कब होता है या तो आई लेंस की लेंथ बढ़ जाए आई लेंस की लेंथ बढ़ जाए और लेंथ बढ़ गई तो ऑब्जेक्ट इमेज जो थी लेंस को सही है लेंस को जहां फोकस करना चाहिए वही फोकस कर रहा लेकिन आई लेंस की लेंथ बढ़ गई तो रेटिना थोड़ा पीछे चलेगी नतीजा होगा कि लेंस तो अपनी जगह सही था लेकिन रेटिना में इमेज नहीं बन रही रेटिना से पहले बन रही तो इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ द आई लेंस या उसकी फोकल लेंथ तो अब वो बजाय रेटिना पे फोकस करने के पहले फोकस कर रहा है समझ में आ गई बात आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई इसलिए वो बजाय लेंस पे फोकस करने के रेटिना से पहले फोकस कर रहा है यानी उसका कर्वेचर बढ़ गया फोकल लेंथ कम होती है कम बढ़ती है कर्वेचर जब मैं दूर फोकस कर रहा हूं तो मिनिमम कर्वेचर होता है फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है अब फोकल लेंथ बढ़ गई उसका अंदर भी कर्वेचर बढ़ गया आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया फोकल लेंथ कम होगी तो कर्वेचर बढ़ेगा फोकल लेंथ कम होगी तो कर्वेचर बढ़ेगा तो इसका अलग है कि अगर कर्वेचर बढ़ा तो फोकल लेंथ कम हो गई वही बात मैं बोल रहा हूँ समझ में आ गई फोकल लेंथ कम हो गई या कर्वेचर बढ़ गया तो आई लेंस जो होगा वो आई जो फोकस करेगा रेस को मैक्सिमम रेस को रेटिना से आगे फोकस करेगा रेटिना में फोकस नहीं करेगा तो इस डिफेक्ट को दूर कैसे करें कि इमेज रेटिना में ही फोकस हो और हमें ना ऑब्जेक्ट को पास लाना पड़े ना खुद ऑब्जेक्ट के पास जाए तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जो रेस को अंदर जाने से पहले डाइवर्ज कर दे क्योंकि जो रेस डाइवर्जिंग पोजीशन में अंदर आती है आई के अंदर वो थोड़ा पीछे जाके थोड़ा दूर जाके फोकस होती है अगर कन्वर्जिंग आ रही है और कन्वर्ज कर दो तो और पहले फोकस हो जाएगी तो वी नीड अ लेंस विच डाइवर्ज द रेज सो दैट
वो जो रेज है आई लेंस में एंटर होने पहले डाइवर्ज हो जाए, और जब डाइवर्जिंग रेज होंगी तो वो जाके कहां फोकस होंगी, रेटिना पे फोकस होंगी। इस हिसाब से सिलेक्ट करते हैं कि उतनी पावर का हो कि उतना डाइवर्ज करे कि रेटिना पे जाके फोकस हो, ये नहीं कोई भी ले डाइवर्जिंग रेज और सूटेबल पावर। तो उसमें क्या होता है, जो हम डाइवर्जिंग रेज यूज करते हैं यहां बना दें इमेज, तो हमने पहले लेंस से पहले क्या मिली लेंस पर जो डाइवर्जिंग लेंस था बस कॉनकेव लेंस, तो यहां जो रेंज आई दूर से वो थोड़ी डाइवर्ज होगी। अब जो ये डाइवर्जिंग रेंज जो अंदर जा रही है ये थोड़ा डाइवर्जिंग रेंज हमेशा अपनी पोजीशन से आगे जाके कॉन्वर्ज होती है, कौन इस लेंस से है क्योंकि ये कॉन्वर्ज ही कॉन्वर्जिंग लेंस है, आई लेंस से कॉन्वर्जिंग लेंस ही याद रखिएगा। तो जब इसको कॉन्वर्ट करेगा तो ऑलरेडी डाइवर्जिंग रेज थी, तो इनको कॉन्वर्ट कहां करेगा, वो सूटेबल पावर का होता है, कहां वो कॉन्वर्ट करता है वो रेटिना पे, वहां पे साफ करता। तो वे यूज ए कॉनकेव लेंस और ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सूटेबल पावर। सूटेबल पावर क्या, हर आदमी की अलग अलग है, हर आदमी को जो डाइवर्जिंग चाहिए वो अलग अलग चाहिए, तो इसलिए लेंस की जो पावर होगी वो भी अलग होगी। एक मिनट पहले इसको कंप्लीट करो, बात क्लियर हो गई। ये कहते हैं मायोपिया इफेक्ट, जिसमें दूर की चीज साफ नजर नहीं आती, करीब की साफ नजर आती है। और दूर की चीज साफ नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना से आगे बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही रेटिना पे, या तो आई लेंस बढ़ गया, एलोंगेशन ऑफ द आई लेंस का साइज बड़ा हो गया, पेरी ड्यू टू एनी डिफेक्ट, ड्यू टू एनी इंजरी, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, या आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई, है ना, आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई, और उसकी जब वो आई लेंस की फोकल लेंथ कम होगी तो कर्वेचर बढ़ जाएगा, यानी थिकनेस बढ़ जाएगी और फोकल लेंथ कम हो जाएगी। जब फोकल लेंथ कम होगी तो आई जो फोकस करेगी जहाँ पहले फोकस कर रही थी उससे पहले फोकस करेगी, फिर बात क्लियर हो गई, जहाँ पहले फोकस कर रही थी उससे पहले फोकस करेगी। तो अब क्या करें, हम ऑब्जेक्ट को भी मूव नहीं करना चाहते, वो भी मूव नहीं कर रहे, तो फिर रिक्वायर है लेंस जो रेज आई के अंदर एंटर होने से पहले डाइवर्जिंग हो। हम इसे क्यों चाहते हैं, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज जब आई के अंदर जाएंगी तो आई लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस है, तो वो डाइवर्जिंग रेज को जो कॉन्वर्ज करेगा वो उस पॉइंट पे नहीं करेगा, उससे पीछे करेगा जहां रेटिना है या रेटिना के आसपास। तो हम ऐसी पावर सिलेक्ट करते हैं लेंस की के जो रेज है वो जाके आई लेंस से पास होकर रेटिना पे पहुंच जाए, आई लेंस से पास होकर सूटेबल पावर। तो हर आदमी की जो डाइवर्जिंग चाहिए वो अलग अलग चाहिए, तो जब वो लेंस वो जब वो इस कॉन्वर्जिंग लेंस को यूज करके विच इज ए कॉनकेव लेंस, जब वो रेज दोबारा रेटिना पे फोकस होती है तो हमें फिर साफ नजर आने लगता है, ना हम ऑब्जेक्ट के पास जाने की जरूरत है और ना ऑब्जेक्ट को अपने पास जाने की जरूरत है। तो कॉजेस दो हैं, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल या डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस ड्यू टू इस इंक्रीज इन इट्स थिकनेस या ड्यू टू इस इंक्रीज इन इट्स कर्वेचर। कर्वेचर बढ़ेगा तो थिकनेस कम हो जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी, थिकनेस बढ़ जाएगी और फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अब पूछिए आप लोग, अगर दोनों चीजें अगर एक साथ मिल जाए, कौन सी दोनों चीजें, जैसे उसकी वो फोकल लेंथ भी कम हो जाए, एलोंगेशन भी हो जाए आई बॉल की, वो दोनों रीजन एक साथ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ये कहीं भी नहीं है। हाँ नहीं, दो रीजन हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, और दोनों क्या क्या दो रीजन है, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल और दूसरा इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द आई लेंस या डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। Now both the things can take place separately and it is also possible both the things may occur at the same time. यानी elongation of the eyeball भी हुआ है और eye lens की focal length भी कम हुई, दोनों use उसका जो उसका वो है cure जो है उसका correction जो है वो किससे होगी, concave lens से और concave diverging lens से concave lens से, और उसकी power भी अलग अलग होगी। ये ना हर आदमी के लिए जो हमें diverging lens चाहिए वो सेम पावर का नहीं चाहिए, अलग हर आदमी के लिए डिफरेंट पावर का चाहिए ताकि रेटिना भी इमेज बन जाए। तो बोथ द कॉजेस मे बी टुगेदर, बोथ द कॉजेस मे नॉट ओनली वन मे बी देयर, सेकंड मे नॉट बी देयर।
ये बात समझ में आ गई, दैट इज पॉसिबल। ठीक हो गया आपको?